एकदम मस्त रोने की एक्टिंग थोड़ा। तो भाई इतना कांड हो चुका है पर मुझे हंसी आ रही है बहुत ज्यादा अपने आप पे कि मेरे साथ ऐसा कांड कैसे हो सकता है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं उठ चुका हूँ, बज गए हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ नेटी थी किसी काम से, पोस्ट ऑफिस में काम है, वहाँ अपनी FD वगैरह जमा करनी है। तो अभी चलते हैं, फिर आपको नेटी ही मिलेंगे। Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम बोराड़ी, अभी दूध दे रहे हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं नई टिहरी, वहाँ पे आपको व्यू दिखाएंगे। पोस्ट ऑफिस में जाना है, RD वगैरह जमा करनी है और फिर आते हैं घर। चलो आपको नई टिहरी का व्यू दिखाता हूँ, आपने देखा नहीं होगा वैसे तो, और अगर देखा होगा तो वैसे तो बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का। आज बारिश हुई यहाँ पे और व्यू कुछ भयंकर ही आ रहा है, तगड़ा वाला। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम पोस्ट ऑफिस के बाहर और यहाँ पे करते हैं अपनी RD जमा और फिर चलते हैं घर। यहाँ पे आ चुके हैं हम पोस्ट ऑफिस के बाहर, खड़े हैं अभी पोस्ट ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ मैं तो अभी। और यहाँ से देखिए गाइस क्या प्यारा व्यू आ रहा है नई टिहरी का, हाँ इसको न्यू टिहरी बोलते हैं। ये देखिए गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। तो चलते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, मैं अपनी RD वगैरह जमा करवाता हूँ और फिर चलते हैं नीचे बोराड़ी की साइड और फिर वहाँ पर करेंगे थोड़ा नाश्ता, छोले समोसे खाएंगे और फिर चलेंगे घर। तो फाइनली गाइज मेरा पोस्ट ऑफिस का काम हो गया है, बहुत भीड़ लगी थी अंदर, बड़ी मुश्किल से जाके नंबर आया मेरा। अब चलते हैं नीचे, यहाँ गाड़ी खड़ी है यहाँ पर हमारी, ये है मेरे साथ राजन, ये मेरी मामी का लड़का है। हाँ मैं वैसे मामा ही घर रहता हूँ अपने, यहीं से पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ वैसे मैं। तो बहुत भीड़ थी अंदर, क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किल से नंबर आया मेरा। तो फाइनली गाइज एक कांड हो गया मेरे साथ, स्कूटी लेके जा रहा था मैं, अचानक से कार वाले ने ब्रेक मार दिया, स्कूटी घुस गई उसके अंदर पूरी और मेरा आगे का वो जिसको मड़गाट बोलते हैं वो टूट चुका है। ये देखिए गाइज इसकी हालत ऐसी ख़राब हो चुकी है, गलती वैसे मेरी भी थी थोड़ी, उसकी भी थी, मैं भी स्पीड में था, अचानक वो कार वाले भी स्पीड में था और जैसे मैंने दोनों ब्रेक मारे ब्रेक लगी नहीं और सीधा उसके अंदर घुस गई। उसका तो कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, मेरा नुकसान हो गया। अब 1200-1500 रुपये इसमें लग जाएंगे, वो तो सही है उसने कुछ बोला नहीं। ये देखिए गाइस कितना नुकसान हो गया मेरा, आज शनिवार का दिन बहुत ख़राब हुआ मेरे लिए, तो आज शनिवार का शनि ग्रह चढ़ गया मेरे ऊपर, पूरा टूट चुका है। अब इसको लेके घर भी नहीं जा सकते, अब इसको लेके घर भी नहीं जा सकते, घर पे बोलेंगे क्या, अब घर पे डांट भी पड़नी है, अब क्या ही बोलना। गलती तो वैसे मेरी भी नहीं थी, उसी की थी, स्पीड में जा रहा था वो, अब क्या बोलना, पर कांड हो चुका है। अब गाड़ी मेरी भी नहीं है ना, गाड़ी इसकी है, ये मामी के लड़के की। अब ये सोचा कुछ बहाना बहाना मिल जाए घर पर बताने के लिए, अब बहाना भी है नहीं मेरे पास कुछ, अब क्या बोलना। मैंने बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी मिली थी मेरे को सामान के लिए, अब गाड़ी मैंने ठोक दी, आज का दिन ही ख़राब है। तो भाई इतना कांड हो चुका है पर मुझे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा अपने आप पे कि मेरे साथ ऐसा कांड कैसे हो सकता है। अब देखते हैं यार, फाइनली गाइस पूरा कांड हो चुका है, ये देखिए पूरा एलबीरा है, घर जाने का मन कर रहा नहीं मेरा, ना मैंने कुछ खाया, अब डर भी लग रहा बहुत घर जाने में।
अब देखते हैं क्या होता है। घर पे मेरे को डांटना पड़े बस। अब इसके 1000-1200 रुपये कौन देगा? ये एक पीछे महान है, इसको बोला था मैंने, अब क्या ही बोलना है इसके लिए मैंने। अब ये कुछ बहाना ढूंढ रहा है, कुछ बहाना दे सकें घर पे और जिससे कि हम बच सकें। पर ऊपर बहुत लोगों ने देख लिया यार बोराड़ी में, मतलब यही जो हमारे गांव के ना, उन्होंने देख लिया हमें। अब वो घर पे शिकायत कर देंगे तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते। देखते हैं हम घर जाके क्या होता है। But it's the same old thing that we all see, same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you, just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. तो फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, इसको देखने का मन भी नहीं कर रहा। इतना बुरा हाल हो चुका है ना मेरे साथ। ये एकदम चिल हो रखा है, एकदम मस्त रोने की एक्टिंग थोड़ा बोलना। चलो घर जाते हैं, जो होगा सच सच बोल देंगे, चाहे गाली पड़े चाहे मार पड़े, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो घर चलते हैं अब और रिएक्शन देखते हैं घर वालों का। वो घर पे मान नहीं पड़े ना, इसलिए रोने की एक्टिंग कर रहा थोड़ा बहुत। स्माइल करो राजन, थोड़ा स्माइल से चीज। डर लग रहा है, ये कांड भी है एक हमारे साथ। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ, और फाइनली घर पे कोई है नहीं अभी, क्योंकि हमारे घर के नीचे है ना, वहाँ उनके घर चला थे तो सारे लोग वहीं जा रखे काम करने के लिए। तब मैं भी अभी किसी को बताया नहीं मैंने घर में, अभी कोई है भी नहीं घर में, मामू और भी वहीं जा रखे। तो अब देखते हैं अगर उन्हें पता चल गया होगा। वैसे तो लगता है मेरे को पता चल गया होगा, फ़ोन कर तो दिया है वैसे, पर अब बताते हैं देखते हैं। पर मैं सच ही बोल दूंगा, झूठ मैं बोलूंगा ही नहीं, जो होना था वो तो ही गया मेरे साथ। अब तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।